छठी मैया सुना ला रजिया, तेजस्वी बाबू के मुख मंत्री बनैया, तेजस्वी बाबू के मुख मंत्री बनैया, तेजस्वी बाबू के मुख मंत्री बनैया, दंडवत करके जाबै घाट पर, छठि मैया के आ करबै छठि मैया के। राष्ट्रीय जनता दल के नेता केदार प्रसाद यादव अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर उनके बयान या उनकी हरकतें खबरों का हिस्सा बनती ही रहती हैं। इस बार लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर उन्होंने छठी मैया से तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बना देने की प्रार्थना की और इसी प्रार्थना के साथ केदार प्रसाद दंडवत प्रणाम करते हुए घर से छठ घाट के लिए निकले। छठी मैया सुना ला रजिया, तेजस्वी बाबू के मुख मंत्री बनैया, तेजस्वी बाबू के मुख मंत्री बनैया, तेजस्वी बाबू के मुख मंत्री बनैया, दंडवत करके जाबै घाट पर, छठि मैया के आ करबै छठि मैया के। पिछले साल भी केदार प्रसाद यादव ने लालू परिवार की प्रतिमा बनाकर छठ घाट पर पूजा की थी और लालू प्रसाद यादव के ठीक होने की कामना की थी और इस बार वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर छठी मैया से विनती करते दिखे। आरजेडी नेता केदार यादव करीब 5 किलोमीटर दंडवत करते हुए किरतपुर राजाराम घाट पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस मौके पर गांव की महिलाएं तेजस्वी यादव की फोटो हाथों में लेकर छठ के गीत गाती नजर आई। भैया हम जा रहा हूँ दंडवत करते हुए कि 2025 में तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बने, इसी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, चूँकि बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, छात्र नौजवानों के धड़कन है, युवाओं का मसीहा है और चारों तरफ विकास ही विकास हो करेंगे तेजस्वी बाबू। बिहार में देख रहे लगातार जंगल राज्य बिहार में हो गया है, अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई, लोग कहीं सुरक्षित नहीं है, रोज हत्या डकैती लूट हो रहा है, इसलिए तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम छठ मैया को दंडवत यात्रा करते हुए जा रहे हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर तेजस्वी घाट है, वो दंडवत करते हुए तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भगवान से छठी मैया से प्रार्थना कर रहा हूँ। हे छठी मैया, तेजस्वी बाबू मुख्य बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनको बिहार का विकास करे, इसी उद्देश्य से हम आई दंडवत यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले केदार यादव जेसीबी पर चढ़कर केक काटकर तेजस्वी यादव का जन्मदिन मना चुके हैं। आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर तो केदार यादव भैंस पर चढ़ गए और केक काटा और इस चक्कर में वो गिर भी गए थे। वैशाली से संजीत कुमार की रिपोर्ट।